Vayam Prabha. Digital India. Educated India.

मैंने अपने प्रस्तुतिकरण का माध्यम हिंदी रखा है और इस चूँकि लॉ में विधि के क्षेत्र में जो हिंदी की हिंदी में मटेरियल की अनुपलब्धता है अवेलेबिलिटी बहुत कम है छात्रों में आ, मैं जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है एक शिक्षक के रूप में लास्ट थर्टीन फिफ्टीन इयर्स का उसमें मैं महसूस कर पाया हूँ कि जो हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उसमें आत्मविश्वास की कमी केवलिस कारण होती है कि उनके पास मैटीरियल बहुत कम है कंटेंट बहुत कम है इस वजह से वह प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर बहुत चिंतित भी होते हैं इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस पूरे लॉफ क्राइम टू को हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूँ ये चैप्टर सेवेंथ है जमानत संबंधी प्रावधान इस चैप्टर के अंतर्गत हम देखेंगे कि बेल की परिभाषा क्या है जमानत की परिभाषा क्या है जमानत का उद्देश्य क्या है और इसको मैंने स्लाइड में देखें कि आर्टिकल ट्वेंटी को भी मैंने इसमें लिखा हुआ है मैंने बेल को तीन भागों में डिवाइड किया है रेगुलर बेल है डिफॉल्ट बेल है एंटीसिपेटरी बेल है रेगुलर बेल सेक्शन 436 नीचे स्लाइड के माध्यम से आप देख सकते हैं और 437 में जमानती मामलों में जमानत का प्रावधान और जमानती मामलों में जमानत का प्रावधान डिफॉल्ट बेल क्या है अग्रिम जमानत क्या एंटीसिपेटरी बेल क्या है इसका सब इसको डिस्कस किया जाएगा डिटेल में वन बाई एक एक करके सबसे पहले लेते हैं बेल की परिभाषा जमानत क्या है तो देखते हैं बेल शब्दावली जो सीआरपीसी में परिभाषित नहीं है सीआरपीसी में केवल बताया गया है कि बेलेबिल ऑफेंस क्या है नॉन बेलेबिल ऑफेंस क्या है जमानती अपराध क्या अजमानती अपराध को डिफाइन किया गया है न कि बेल क्या है इसको तो बेल को जो शब्दकोश की जो परिभाषा डिक्शनरी जो मीनिंग है उसका उसके अनुसार बोलते हैं सरल भाषा में जमानत से तात्पर्य अभियुक्त बेल का शाब्दिक अर्थ है टू रिलीज निर्मुक्त करना छोड़ना या बेल का शाब्दिक अर्थ है टू रिलीज छोड़ना निर्मुक्त करना अब इसे परिभाषा के रूप में देखें जमानत आपराधिक मामलों में अभियुक्त के द्वारा न्यायालय को दी गई यह गारंटी न्यायालय को दिया गया यह आश्वासन कि उसे जो भी शर्तें न्यायालय के द्वारा लगाई जाएंगी उन तारीख और समय पर अपने आप को न्यायालय के समक्ष या प्राधिकारी के समक्ष अपने आप को उपस्थित करेगा और सरल भाषा में इसको देखें जमानत से जमानत का अर्थ तो जमानत से तात्पर्य बेल से तात्पर्य प्राधिकारी या न्यायालय को अभियुक्त की ओर से दिया गया आश्वासन कि वह प्राधिकारी या न्यायालय के द्वारा बताए गए तारीख और समय पर अपने आप को उपस्थित करेगा और सहयोग प्रदान करेगा अब यहां पे मैंने दो शब्दावली यूज किया है प्राधिकारी को आश्वासन या न्यायालय को आश्वासन तो अथॉरिटी हेयर मीन्स कि पुलिस में आल्सो ग्रांट बेल कुछ परिस्थितियों में जमानती मामलों में विशेषकर पुलिस भी अभियुक्त को जमानत देती है अब जमानती मामले क्या होंगे सीआरपीसी की धारा टू क के अनुसार वे अपराध जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय हैं सामान्यतः जमानती अपराध माने जाते हैं जो सीआरपीसी की परिभाषा टू क में दी गई है जो अक्षरश बेरा में लिखा हुआ हुआ मैं आपको बता रहा हूं कि जमानती अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में जमानती अपराध के रूप में दर्शित किया गया है अब यह बात स्पष्ट नहीं हो पा रही कि संहिता के प्रथम अनुसूची में से जिसे जमानती दर्शित किया गया है वही जमानती होंगे तो यह कैसे माना जाए कि कारावास कितना है कितना पनिशमेंट है उस प्रथम अनुसूची का अवलोकन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि वे सभी अपराध जो तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय होते हैं जमानती अपराध कहे जाते हैं और जिसमें अभियुक्त पूर्वक जमानत की मांग कर सकता है और अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है और जमानती अपराध वे अपराध हैं जो तीन वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय हैं और जिसमें अधिकार पूर्वक जमानत की मांग नहीं की जा सकती है अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना न छोड़ना यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है तो ऐसी स्थिति में बेल पुलिस के द्वारा भी ग्रांट की जा सकती है जमानती मामलों में और कोर्ट के द्वारा भी बेल ग्रांट की जाती है तो बेल पुलिस अभियुक्त के द्वारा पुलिस को दिया गया एक आश्वासन कि वह जब भी पुलिस को भी बुलाएगी पुलिस के अन्वेषण में सहयोग करेगा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेगा उसको अभियुक्त को अभियुक्त के द्वारा पुलिस को दिया गया आश्वासन और उस आश्वासन के आधार पर अभियुक्त को छोड़ना बेल देना और उस बेल की कंडीशन को ब्रीच करना बेल की कंडीशन का विखंडन अगर है भंग किया जाता है अभियुक्त के द्वारा तो अभियुक्त का न केवल बेल कैंसिल होगा बेल रद्द होगा बल्कि पुनः उसको जेल में रखा जा सकता है तो बेल एक प्रकार से प्राधिकारी या न्यायालय को दिया गया आश्वासन कि इस आश्वासन के इस शर्त के साथ कि वह अपने आप को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करेगा न्यायालय के द्वारा या प्राधिकारी के द्वारा अभियुक्त को अभिरक्षा से निर्मुक्त करना कस्टडी से रिलीज करना अब आते हैं कि यह बेल क्यों आवश्यक है किसी भी व्यक्ति की जीवन का अधिकार या किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार उसका मौलिक अधिकार है यह संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत ट्वेंटी के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या प्राण की किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से विद द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित किया जा सकता है अन्यथा नहीं इसका मतलब केवल और केवल यह है कि व्यक्ति के जो जीने की गारंटी है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दैट इज फंडामेंटल राइट गारंटीड अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट कन नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ यदि प्रोसीजर है कानून का विखंडन कानून का भंग कर रहा है कोई व्यक्ति लॉ का वायलेशन कर रहा है लॉ का ब्रीच कर रहा है ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को बाहर रहने का अधिकार नहीं है यदि उसको बाहर रहने से समाज में खतरा है तो निश्चित रूप से ही मस्ट बी अरेस्टेड एंड मस्ट बी कैप्ट इन टू जेल उसे जेल में रखा जाना चाहिए इस व्यक्तिगत लिबर्टी इंडिविजुअल लिबर्टी एंड सोशल जस्टिस और सामाजिक सुरक्षा दोनों में संतुलन स्थापित करने के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत और भारतीय संविधान के आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत व्यक्ति के व्यक्तिगत बेक्त स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक सोसाइटी के पीस को ध्यान में रखते हुए सोसाइ लोक शांति को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान किया गया कि अभियुक्त को बेल दिया जाए जमा दिया जाए यदि बाहर रहने से समाज में उसको कोई खतरा समाज को कोई खतरा नहीं है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को निर्मुक्त कर दिया जाना चाहिए अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए विथ कंडीशन उसे छोड़ दिया जाना चाहिए और उस कंडीशन का अगर कोई न्यायालय के द्वारा या प्राधिकारी के द्वारा अधिरोपित की गई शर्तों का यदि उल्लंघन करेगा तो उसे कंडीशन उसे बेल उसकी जमानत को रद्द करते हुए पुनः उसको जेल में लाया जा सकता है अब देखते हैं कि बेल रेगुलर बेल क्या है और रेगुलर बेल जमानती मामलों में और अजमानती मामलों में क्या नियम दिया गया है तो जैसा कि आप जानते हैं बेल संबंधी प्रावधान सीआरपीसी की धारा 436 और 437 में जमानती मामलों में जमानत और जमानती मामलों में जमानत धारा 436 437 के अंतर्गत दिया हुआ है तो पहले लेते हैं कि जमानती मामलों में जमानत संबंधी क्या प्रावधान है वॉट इज द प्रोसीजर रिगार्डिंग बेल इन बेलेबुल ऑफेंस जमानती मामलों में जमानत संबंधी प्रावधान सेक्शन फोर थर्टी सिक्स तो सी आर पी सी की धारा चार सौ छत्तीस यह प्रावधानित करती है कि जब किसी अभियुक्त को जमानती अपराध किए जाने के आरोप में न्यायालय के समक्ष लाया जाता है या वह हाजिर होता है तो ऐसे व्यक्ति को यदि वह जमानत देने को तैयार है तो जमानत पर छोड़ दिया जाएगा जो शब्दावली सेक्शन 436 में यूज की गई है वह मैं बताना चाहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आप उसको स्लाइड के माध्यम से देखें मैंने स्लाइड में एक शब्दावली लिखा हुआ है कंपल्सरी बेल कंपल्सरी बेल मैंडेटरी बेल और इस सेक्शन फोर थर्टी सिक्स में जो शब्दावली एक यूज की गई है वहां लिखा हुआ है शैल बी रिलीज ऑन बेल इंग्लिश से थोड़ा सा स्पष्ट होता है कि फोर थर्टी सिक्स में प्रयुक्त की गई शब्दावली शैल का शाब्दिक अर्थ्य है कि न्यायालय ऐसे अभियुक्त को जमानत पर छोड़ेगा ही एक शैल बी रिलीज ऑन बेल अर्थात यदि अभियुक्त जमानत देने को तैयार है तो अभियुक्त को रिलीज किया जाना बेल जमानत पर रिलीज किया जाना मैंडेटरी है इसीलिए कंपलसरी बेल मैंने उसमें नीचे लिखा हुआ था जिससे आप समझ पाए यद्यप कि बेल उसमें लिखा नहीं है लेकिन यह लोकप्रिय भाषा में या उसकी जो उसका जो इफेक्ट है प्रभाव है वह कंपलसरी बेल लेने का हकदार हो जाता है चार सेक्शन 436 में दो उपधाराएं हैं जिसे छात्रों को समझना है सेक्शन 436 उपधारा एक में जो लिखा है वो मैंने अभी जस्ट बताया आपको वहीं पर सेक्शन 436 उपधारा दो में जो बात लिखी गई है वह जमानती अपराध होते हुए भी अभियुक्त को जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि अभियुक्त ने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन किया है जमानत की जमानती अपराध के आरोप में अभियुक्त यदि जमानत पर बाहर है और उस जमानती अपराध की किसी शर्त का उल्लंघन हुआ है पुनः अगर उसको न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो इस बार जमानती अपराध होते हुए भी शर्त का उल्लंघन होने पर उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यह ये दोनों अंतर को ध्यान रखना है सेक्शन 436 में जो दो उपधाराएँ हैं दो खंड हैं मैंने सेक्शन 436 उपधारा एक की जो बात बताई वो बेसिक रूल है बेसिक रूल क्या है कि जब अभियुक्त को जमानती अपराध के आरोप में न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और वह जमानत देने को तैयार है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा और यदि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त को जमानत पर लाया जाता जमानत मिल जाती है वहीं बात वहीं पर सेक्शन फोर थर्टी सिक्स उपधारा दो में लिखा हुआ है कि यदि जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो उसे जमानती अपराध में भी उसकी जमानत कैंसिल हो जाएगी उसे जमानत नहीं दिया जा सकेगा तो ये दो प्रावधान बहुत ही स्पष्ट हैं और इसको और भी स्पष्ट कर देते हैं उसमें जो शब्दावली शैल शब्दावली प्रयोग किया गया है इसको ध्यान में रखेंगे अब मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि जैसे बंधपत्र है बांड है तो बॉन्ड को हम स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि बंधपत्र मैंने लिखा है इसको बताने का प्रयास किया है इस स्लाइड के माध्यम से दो भागों में बांटते हैं इसको पर्सनल बांड बेल बाड पर्सनल बांड के अंतर्गत हो सकता है धनराशि सहित हो सकता है धनराश रहित हो सकता है बेल बांड जो है वह जमानत बंध पत्र बोलते हैं इसको हिंदी में बाई सियोरिटी प्रतिभू प्रतिभू के द्वारा बेल बाड और प्रतिभू का मतलब यहाँ पे गारंटर है एक इसको और समझने की भाषा सरल भाषा में समझें गारंटर है जो व्यक्ति गारंटी दे रहा है कि मेरा भाई है मैं इसकी गारंटी लेता हूँ कि यदि यह न्यायालय में नहीं आएगा तो मैं इसको न्यायालय में प्रोड्यूस करूंगा यह अगर पुलिस को सहयोग नहीं करेगा तो मैं इसको पुलिस में सहयोग करूंगा ऐसी इस बात की गारंटी है अब इसको स्लाइड में यदि आप देखें तो मैंने ये बंधपत्र को बांड को दो भागों में क्लासिफाई किया है पर्सनल बांड बेल बांड पर्सनल बांड में मैंने लिखा है कि ये विथ मनी हो सकती विदाउट मनी हो सकती धनराश सहित हो सकता धनराश्र सहित हो सकता है कब पर्सनल बांड जो है कब बिना धनराश्र रहित होगा या धनराश सहित होगा ये देखें नीचे मैंने एरो बना के लिखने का बताने का समझाने का प्रयास किया है कि ये डिपेंड करता है अपराध की प्रकृति पर कोर्ट नगद जमा कराने के जमात कर, जमा कराने का आदेश दे सकती है बजाय बंधपत्र पर या एन किसान विकास पत्र गाड़ी का कागज कार का कागज़ इनके जगह पर कोर्ट कर सकती है कैश डिपॉजिट कर दिया जाए इसका प्रावधान सेक्शन 445 सीआरपीसी से में दिया गया है अब इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें अपराध की प्रकृति के आधार पर निर्भर करता है कि अभियुक्त का जो बंधपत्र होगा उसमें धनराशि लगाई जाए या बिना धनराशि का हो बंधपत्र है क्या बांड क्या है? जैसा कि उसकी शब्दावली से स्पष्ट है बंधपत्र बॉन्ड अभियुक्त के द्वारा यदि शाब्दिक किसको परिभाषा करें सियापीसी की न बात करें हम कहें कि बॉन्ड क्या है तो बंधपत्र किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्राधिकारी को दिया गया वह वचन है प्राधिकारी के पक्ष में निष्पादित किया गया वह पत्र है जिसमें वह प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई शर्तों को मानने के लिए अपनी वचनबद्धता देता है अब इसको हम सेवाओं में देखते हैं प्राइवेट सर्विस हो या गवर्नमेंट सर्विस हो उसमें बांड भराया जाता है कि ये हमारी कंडीशन है आप इसको मानने के लिए बाध्य हैं तो ऐसे ही बंधपत्र आपराधिक मामलों में बांड जो भराया जाता है न्यायालय के द्वारा वह एक प्रकार से अभियुक्त से गारंटी ली जाती है कि अभियुक्त इस बात यह वचन दे यह प्रॉमिस करे कि वह न्यायालय को सहयोग करेगा गवाहों को धमकाने का प्रयास नहीं करेगा साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा पुलिस को अन्वेषण में सहयोग प्रदान करेगा इस बात का वचन प्रॉमिस उस वचन पत्र के माध्यम से उस आवेदन के माध्यम से यह बात अभियुक्त के द्वारा लिखी जाए निष्पादित की जाए उसके द्वारा हस्ताक्षर किया जाए कि आज तारीख और समय पर मैंने इस प्राधिकारी या न्यायालय को यह एक वचन दिया है एक पत्र वचन पत्र निष्पादित किया है कि मैं न्यायालय या प्राधिकारी के द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को मानने के लिए बाध दूँ और मानूंगा इसमें से किसी भी शर्त का यदि उल्लंघन किया जाता है तो मेरे विरुद्ध कोई कार्रवाई की जाए यह बॉन्ड बंध पत्र जो है वह प्राधिकारी और अभियुक्त के मध्य एक प्रकार का एग्रीमेंट है कि ये एग्रीमेंट का ये हमारे और प्राधिकारी और एक्ूज के मध्य एक प्रकार का समझौता है एग्रीमेंट है बॉन्ड बाउंड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्यूज एंड अथॉरिटी और उस पर हस्ताक्षर किया गया है अपराधिकारी को सुपुर्द किया गया है वह कोर्ट को सुपुर्द किया गया है और ब्रीच ऑफ कंडीशन एक भी अगर उसमें से कंडीशन ब्रीच होगी तो निष्पित निश्चित रूप से उसी बंधपत्र के विखंडन के आधार पर उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है अब बाड में कितना अमाउंट होगा कितना नहीं होगा ये डिपेंड करता है अपराध बहुत साधारण सी बात है समझने के लिए अपराध जितना बड़ा होगा अपराध जितना हीनियस होगा जितना जघन्य होगा उतना अमाउंट बांड का ज़्यादा होगा उतने ही गारंटर नंबर ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा होंगे अब प्रश्न होता है कि जो हमारा बेल बाड है जो अभियुक्त की तरफ से सिक्योरिटी दी जा रही है प्रतिभू दी जा रही है गारंटी दी जा रही है भाई के द्वारा पिता के द्वारा माँ बहन के द्वारा मामा किस कोई भी व्यक्ति जो अभियुक्त की ओर से इस बात का न्यायालय को या प्राधिकारी पुलिस को आश्वासन देता है कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ स्योरिटी लेता हूँ कि अभियुक्त के न आने पर मैं इसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित करूंगा अन्यथा मेरे द्वारा डिपॉजिट की गई ये धनराशि जब्त कर ली जाएगी मेरे द्वारा डिपॉजिट किया गया यह बंद या ये दस्तावेज न्यायालय जब्त कर सकती है तो यह क्यों ऐसा किया जाता है इसका लॉजिक क्या है बेल बांड भरवाने का अभियुक्त से गारंटी लेने का सामान्यतः तो अभियुक्त यदि अपराध छोटा है तो उस अभियुक्त से छोटे अपराध में छोटे अपराध का मतलब जो समाज के लिए बहुत ज्यादा हानिकार नहीं है तो उसमें अभियुक्त के द्वारा बांड भरवा लिया जाता है उसके व्यक्तिगत बांड पर ही उसको छोड़ दिया जाता है अभियुक्त से पर्सनल बांड भी भरवाया जा रहा है और साथ साथ गारंटर भी लिया जा रहा है सिक्योरिटी भी ली जा रही है बेल बांड भी भरवाया जा रहा है पर्सनल बॉन्ड प्लस बेल बॉन्ड इट मीन्स इसका केवल और केवल अर्थ यह है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध जो है जघन्य है गंभीर है और जितने नंबर ऑफ स्योरिटी बढ़ेंगे इसका केवल और केवल है मतलब यह है कि अभियुक्त पर दबाव बनाया जा रहा है कानूनी दबाव बनाया जा रहा है कंपल्सन किया जा रहा है जिससे कि वह न्यायालय को सहयोग करे पुलिस प्रशासन को सहयोग करे यह डिपेंड करता है अभियुक्त के आपराधिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त के पेशेवर अपराधी होने के को ध्यान में रखते होंगे नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाए जाते हैं नंबर ऑफ अमाउंट बढ़ाया जाता है ये आपराधिक मामलों में बेल बांड का सामान्य नियम है अब प्रश्न होता है कि जो गारंटर है सिक्योरिटी है यह सिक्योरिटी कितनी होगी कितनी नहीं होगी इस पर सीआरपीसी साइलेंट है क्यों साइलेंट है कि बंद पत्र बांड यदि प्रतिभू के द्वारा बेल बाड भराया जाता है तो कितने बेल बाड भराए जाने चाहिए अभियुक्त को बेल पर छोड़ने के लिए क्या हत्या के मामले में मर्डर के मामले में दस सिक्योरिटी लेने चाहिए दस लोगों की गारंटी लेनी चाहिए और चोरी के मामले में एक गारंटर लेना चाहिए एक सिक्योरिटी लेना चाहिए ऐसा नहीं है हो सकता है कि दस गारंटर लेने के बावजूद भी जो हत्यारा है वह जमानत पर अगर छोड़ा जाए तो भाग सकता है और चोरी के मामले में एक बेल बांड भरने पर भी चोर भागने की हिम्मत नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थितियों में यह इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी जब बनाई गई 1973 में तो नंबर ऑफ सियोरिटी पर बल नहीं दिया गया कि नंबर ऑफ सियोरिटी कितने होंगे एक भी हो सकता है दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है यह महत्वपूर्ण यह नहीं कि नंबर ऑफ स्योरिटी कितने हैं महत्वपूर्ण यह है कि जो प्रतिभू है जो गारंटर है वह सदाचारी है या पेशेवर सिक्योरिटी है उसने अभी तक कितने लोगों की गारंटी ली है कितने लोगों क्या उसका पैसा है सामान्यतः देखा गया जब समीक्षा की गई आ, बेल बांड की तो प्रायः पाया गया कि आ, हर ज़िले में हर ज़िले में पेशेवर जो है वह बेल बांड लेने वाले लोग हैं उनका कार्य केवल ये होता है पता लगाना कि किस जिले में कौन पैसा देने अभियुक्त अगर पैसा दे रहा है तो उसकी तरफ से वह जाकर के न्यायालय में खड़े हो जाते हैं कि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं उनको कुछ अभियुक्त की तरफ से पैसा मिल जाता है और अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है जब इस प्रकार के मामले बढ़ने लगे और इसका दुरुपयोग होने लगा कि पेशेवर हर एक जिले में यहाँ ले रहा है आज बाड वहाँ कल को बाँड ले रहा है कल वहाँ पर गारंटी ले रहा है दूसरे जिले में गारंटी ले रहा है ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इससे निपटने के लिए एक संशोधन हुआ वर्ष 2006 में जो मैंने स्लाइड में सबसे नीचे लिखा हुआ है धारा चार क जोड़ी गई वह पेशेवर अपराधियों को रोकने वो पेशेवर जो बेल बांड हैं पेशेवर जो प्रतिभू हैं उनको रोकने के लिए वर्ष 2006 में सीआरपीसी में संशोधन करके धारा चार सौ इकतालीस फोर फोर्टी वन ए जोड़ा गया क्या प्रावधान करता है वह फोर फोर्टी वन ए सीआरपीसी सी जो वर्ष 2006 में संशोधन के द्वारा धारा चार सौ इकतालीस क जोड़ी गई उसका उद्देश्य केवल और केवल अच्छे लोगों को अपराध के अपराधी की तरफ से गारंटी लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और पेशेवर जो प्रतिभु हैं उनको हतोत्साहित करना है उनको रोकना है 2006 से जो संशोधन हुआ उसको यह मैं उसको लैंग्वेज बेरेट की लैंग्वेज को बात कर रहा हूँ धारा चार सौ इकतालीस का यह प्रावधानित करती है कि किसी भी अपराध के स्थिति में अभियुक्त की तरफ से प्रतिभू के द्वारा संबंधित प्राधिकारी या न्यायालय के समक्ष इस बात का उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि इसके पूर्व में उस प्रतिभू ने किन किन अपराध में और कितने अभी तक उसने कितने अपराध में कितने लोगों की प्रतिभू लिया है कितने लोगों की गारंटी ली है इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि जो पेशेवर प्रतिभू हैं उनको रोका जा सकेगा पैसा लेकर के जो अभियुक्त की तरफ से गारंटी प्रतिभू लेते हैं उनको रोका जाए उनको हतोत्साहित किया जाए ये उसका उद्देश्य है तो मैंने बताया कि बेल बांड निष्पादित करने के लिए प्रतिभू की संख्या क्या होगी कोई निश्चित संख्या नहीं है ऐसा क्यों मैंने बताया भी कि यह नंबर ऑफ संख्या बढ़ा देने से, जो नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा देने से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अभियुक्त पुनः अभियुक्त को अगर भागना है जमानत पर छूटा हुआ अगर फरार होना है तो चाहे अच्छा नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितना भी बढ़ा दिया जाए बीस लोग गारंटी लें भाई मामा सभी लोगों ने गारंटी लिया पिता ने गारंटी लिया प्रतिभू लिया है कि नहीं भागेगा अगर अभियुक्त को भागना है पेशेवर अभियुक्त है तो वह माता पिता या भाई किसी की वह परवाह किए बिना कानून की नज़र से फरार हो सकता है ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सी ने निश्चित प्रतिभू निश्चित प्रतिभू की संख्या को प्रावधानित नहीं किया है यही कारण है तो अब अभियुक्त की बेल बांड क्यों आवश्यक है अब क्यों नहीं अभियुक्त के अभियुक्त के ही बाड से आपराधिक मामलों में उसको रिलीज कर दिया जाए जमाना दे दिया जाए कानून ये मानती है कि जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति को कानून का भय नहीं है जिसने कानून तोड़ दिया है तो उसे प्रतिज्ञा तोड़ने में बहुत समय नहीं लगेगा जो उसने एक कागज़ पर लिख करके न्यायालय के समक्ष बांड भरा है प्रतिज्ञा दिया है उस प्रतिज्ञा को तोड़ने में उसको रंचित मात्र भी संदेह नहीं होगा समय नहीं लगेगा और वह प्रतिज्ञा तोड़ करके ब्रीच करके फरार हो सकता है इसलिए उसके साथ साथ अभियुक्त के साथ साथ उसके सगे संबंधी भी इस बात की न्यायालय को गारंटी दें प्राधिकारी को गारंटी दें कि अभियुक्त यदि यदि अभियुक्त की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता वह पेशेवर अपराधी है तो उसके चरित्र उसका चरित्र ही अपराध करना है तो इसलिए उसकी बातों पर उसके बंधपथ पर विश्वास करना यह कोर्ट के लिए न्यायालय प्राधिकारी के लिए पुनः एक प्रकार से आत्मघाती कदम होगा लिहाजा न्यायालय या प्राधिकारी उस अभियुक्त से अपने अभियुक्त के बंधपत्र के साथ ही साथ प्रतिभू के बंधपत्र बेल बांड की भी बाध्यता पर बल दे सकता है कि इसमें नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाए जाए प्रतिभाओं की संख्या बढ़ाई जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त यदि फरार होगा तो उनको पकड़ा जाए जो सिक्योरिटी हैं उनको विवश किया जाए कि अभियुक्त को लाएं वरना उनके जो है प्रति कार कानूनी कार्रवाई की जाएगी यही उसका उद्देश्य होता है इसलिए मैंने बांड को पर्सनल बांड बेल बांड में डिफाइन किया सेक्शन फोर और धारा चार क का जो 2006 में संशोधन के बाद जोड़ी गई उसको भी बताने का प्रयास किया है तो अब इसमें देखते हैं कि जमानत संबंधी जो सामान्य नियम है क्या है बेल संबंधी जो बेसिक रूल क्या है इसको स्लाइड के माध्यम से देखें कि बेल बांड अमाउंट कितना होगा अपराध की प्रकृत परिणाम अभियुक्त को भागने की संभावनाओं को ध्यान रखते हुए जमानत पर छोड़ा गया अभियुक्त व्यक्ति यदि न्यायालय में नहीं आता तो उसे एक वर्ष तक का कारावास जुर्माना दोनों हो सकता है ये आईपीसी की धारा दो सौ में जोड़ा गया इससे संबंधित मैंने केस इसमें लिखा हुआ है इसको भी देखेंगे तो पहले आते हैं कि बेल से संबंधित सामान्य नियम क्या है धारा 440 से प्रावधानित करती है कि न्यायालय अभियुक्त को बेल पर छोड़ते समय बेल देते समय इस बात का भी ध्यान रखेगी कि अभियुक्त के ऊपर जमानत की धनराश को इतना ज्यादा न कर दिया जाए कि जिससे अधिक धनराश के कारण वह धनराशि न दे पाए और वह जेल में ही रहे इसलिए धारा 440 सौ चालीस सी आर प्रावधानित करती है कि न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जमानत देते समय उसके आर्थिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखते हो ध्यान में रखा जाए और इतना भी जुर्माना न लगाया जाए कि जिससे जुर्माने के अभाव में वह बाहर न हो पाए जेल से बाहर न छूट पाए तो धनराशि यह अपराध का कितना अमाउंट होगा नंबर ऑफ सिक्योरिटी कितने होंगे यह मैंने बताया स्लाइड में आप देखें मैंने लिखा है कि अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है परिणाम मैग्नीच्यूड पर निर्भर करता अभियुक्त के भागने की संभावना पर डिपेंड करता है यह अपराध कितना गंभीर है जघन्य है किस ब्रूटल तरीके से किस जघन्य तरीके से अपराध किया गया है पे सेवर है अभियुक्त का आपराधिक हिस्ट्री है क्रिमिनल हिस्ट्री है ये ऐसे जो कारण हैं इनसे अभियुक्त के पहली बात तो अभियुक्त के जमानत पर जमानत मिलने की संभावना कम हो जाती है और ये जो उसके क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है यह उसे बेल और उस नंबर ऑफ स्योरिटी बढ़ाने का भी आधार बन जाता है इसलिए न्यायालय बेल देते समय अभियोजन पक्ष से प्रॉसिक्यूशन से इस बात की मांग कर सकती है कि अभियुक्त के द्वारा पूर्व में कितने अपराध किए गए पे सेवर है या पे सेवर नहीं है क्योंकि अभियुक्त को जमानत देने के पूर्व न्यायालय के द्वारा अभियोजन पक्ष को भी सुना जाता है बिना अभियोजन पक्ष को सुने हुए अभियुक्त को जमानत नहीं दी जा सकती है तो ये सावधानी के नियम है जो न्यायालय जमानत देते समय अपनाता है अब इसमें एक केस है मोती राम स्टेट ऑफ एम पी आर या सुप्रीम कोर्ट जमानती मामलों में जमानत मोती राम वर्सेज स्टेट ऑफ एम पी आर सुप्रीम कोर्ट ये बहुत ही लीडिंग केस महत्वपूर्ण केस है बेल से संबंधित जमानत से संबंधित इसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखेंगे जस्टिस वी आर किसनयर के द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया कि बेल नॉट जेल कहा गया कि बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन जमानत एक नियम है रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन जमानत एक नियम है और निरोध एक अपवाद है बेल नॉट जेल पॉलिसी मोर एंड मोर पर्सन शुड बी रिलीज ऑन बेल तो बेल नॉट जेल अभियुक्त को जमानत दिया जाना चाहिए अभियुक्त को अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए उनको न कि डिटेन किया जाना चाहिए अब वो जो बेल नॉट जेल बेल इज एन बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन यह जस्टिस वी आर किसन के द्वारा जो ये विचार व्यक्त किए गए यह विचार किसी विशेष परिस्थिति में किया गया इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि अभियुक्त को जो अपराध करता है उसको छोड़ दीजिए जमानत पर छोड़ दीजिए इसका यह अर्थ नहीं है इसका तात्पर्य केवल और केवल यह है कि जो छोटे अपराध हैं जो सामान्यतः सात वर्ष से कम के कारावास से दंडीय अपराध हैं उसमें अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाए और जो सात वर्ष से अधिक के अपराध सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उनको उसमें अभियुक्त को जमानत पर न छोड़ा जाए जब तक परिस्थितियाँ उसकी डिमांड न करती हों कि बेल इस पर छोड़ा जाना चाहिए तो ये मैं जो बताने का प्रयास कर रहा था मोती राम से स्टेट ऑफ एम पी ए आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट इसमें जस्टिस वी आर किस नैय्यर का स्टेटमेंट और बेल इज ए रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन इस बात को आप ध्यान रखेंगे इस केस का जो फैक्ट है तथ्य है वह आपको भारतीय न्याय प्रणाली आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है न केवल बेल न केवल जमानत से संबंधित बल्कि यह आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए भी एक महत्वपूर्ण केस है कि जिसमें आप समझ पाएंगे कि कोर्ट के द्वारा बेल देते समय किस प्रकार से किन किन बातों को ध्यान में रखा गया मैं इसका जो तथ्य फैक्ट है संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा मोतीराम की केस का इसमें जो अपीलार्थी है वह एक राजगीर मिस्त्री है जिसको जो बिल्डिंग में इसमें मिल्टीरियल काम करते हैं बिल्डिंग निर्माण का कार्य करते हैं उसको किसी अपराध में गिरफ्तार किया जाता है और वह राजगीर मिस्त्री होने के कारण उस पर दस हज़ार रुपये का बेलबाँड भरा जाता है कोई दस हज़ार रुपये का यह धनराशि का यह बंधपत्र भरेगा तभी उसको जमानत पर जमानत पर छोड़ा जाएगा चूंकि उसकी प्रतिदिन की जो उन्नीस का केस 1978 का है देखिए 1978 का भारत और 1978 के भारत में एक राजगीर मिस्त्री के प्रतिदिन की उसकी आमदनी और उसके बाद भी उसको छोड़ने के लिए कोर्ट ने कहा हम बेल तो इसको रिहा करने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर ये जो अमाउंट है दस हज़ार रुपया अगर जब तक ये दस हज़ार रुपये का धनराशि नहीं देगा तब तक इसको बेल नहीं दिया जा सकता अब इसका ब्रदर जो इसका भाई था अपिलार्थी का भाई यह दूसरे जिले में निवास करता था उसने गारंटी ली कि मैं दस हज़ार रुपये का बाल दूंगा स्योरिटी प्रतिभू भाई के द्वारा दी गई अब न्यायालय ने जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इस आधार पर उसके बांड को रिजेक्ट कर दिया कि भले ही इसका भाई है लेकिन दूसरे जिले में रह रहा है तो जिस जहां पर अभियुक्त जिस जिले का अभियुक्त है उसी जिले में उसी जिले का गारंटर होना चाहिए उसी जिले का सिक्योरिटी होना चाहिए अब यह विडम्बना है इस चीज़ को जब न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा उसके बेल बांड को इस आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया कि उसके भाई का जो मकान है वह दूसरे जिले में स्थित है लिहाजा उसी यह बाध्यता दी गई कि अभियुक्त अपने ही जिस डिस्ट्रिक्ट में निवास करता है जिस जिस जिले में उसका घर है उसी जिले का उसी डिस्ट्रिक्ट का स्योरिटी प्रतिभू होना चाहिए गरीबी या निर्धनता निर्धन होने के कारण उसका प्रतिभू कोई लेने को तैयार कोई गारंटी कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं और भाई दूसरे जिले में मकान बना के रह रहा था वहाँ का उसने अब डोमिसाइल बेल देते समय वो सब लगाना पड़ता है निवास प्रमाण पत्र लगाना पड़ता है कहाँ का निवासी है उसका उम्र क्या है एज क्या है जिसमें कि अगर अभियुक्त फरार होता भागता है तो गारंटर को सियोरिटी को पकड़ा जाए तो इस आधार पर बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया कि उसका जो गारंटर सिक्योरिटी प्रतिभू है भाई वो दूसरे जिले में रहता है मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा अब ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय हैं शायद कानूनी प्रक्रिया को भूल गए कि स्वयं धारा चार में सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि अभियुक्त को जमानत देते समय अभियुक्त के बैकग्राउंड अभियुक्त के पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखेंगे कि किस पृष्ठभूमि से है अभियुक्त के अब इतनी धनराशि न दे दी दि, बढ़ा दिया जाए कि अभियुक्त उस धनराशि देने में असमर्थ होने के कारण वह जेल में ही रहे और बाहर उसके आने की संभावना समाप्त हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब हस्तक्षेप किया गया 1978 में तो इसमें कई इम्पॉर्टेंट दिशा निर्देश दिए गए जो कि बेल से संबंधित बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस से है जैसा कि मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा बेल अप्लीकेशन मात्र इस आधार पर रद्द करना रिजेक्ट कर देना सारी अस्वीकार कर देना कि जो सेवटी प्रतिभु है अभियुक्त का भाई जो प्रतिभू है गारंटी लेने को तैयार है प्रतिभु देने को तैयार है वह दूसरे जिले में निवास करता है इस आधार पर कोई भी जमानत रद्द नहीं की जा सकती रिजेक्ट नहीं की जा सकती अस्वीकार नहीं की जा सकती है अतः न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिया गया वह निर्णय गलत था जो न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दस हजार रुपये का जुर्माने दस हजार रुपये का धनराशि फिक्स किया वह भी गलत है क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त के आर्थिक स्थिति को ध्यान में नहीं रखा गया जो कि विधिक प्रावधान का उल्लंघन है सेक्शन फोर फोर्टी वन में ये बात स्पष्ट की गई है कि बेल देते समय अभियुक्त के बैकग्राउंड का भी ध्यान में रखना आवश्यक है इसलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट का वह निर्णय अवैध माना जाएगा इलीगल है अतः उच्चतम न्यायालय माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा जाता है बेल पर छोड़ा जाता है और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अवैध मानते हुए उसे जमानत एक नियम होना चाहिए और निरोध अपवाद अपवादिक परिस्थितियों में ही व्यक्ति को डिटेन किया जाना चाहिए यदि ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि अभियुक्त भर कब अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना चाहिए बेल रिजेक्ट करना चाहिए जब अब जब ये देख इस, इसको समझने के लिए अगर छात्र यह ध्यान दें कि बेल कैंसिलेशन का या बेल रिजेक्शन के ग्राउंड क्या हैं किन आधारों पर बेल रिजेक्ट हो सकती है पहला ग्राउंड है कि जब अभियुक्त पेशेवर अपराधी हो पेशेवर अपराधी का साक्ष्य कैसे न्यायालय को प्राप्त होगा यह सोचने की बात नहीं है यह न्यायालय को सारे साक्ष्य आ जाते हैं यह सरकारी वकील की जिम्मेदारी है अभियोजन की जवाब जवाबदेही है कि जो अभियुक्त न्यायालय से कुछ लिबर्टी लेना चाहता है न्यायालय से कुछ रिलीफ लेना चाहता है बेल लेना चाहता है अभियोजन यदि विरोध कर दे कि जिसको आप बेल दे रहे हैं इसके पहले इसने इतने अपराध किए हैं पेशेवर अपराधी है और वह कैसे आएगा साक्ष न्यायालय के समक्ष वह संबंधित थाने से जिस थाने में जिस थाने में उसका निवास है अभियुक्त का उसमें पूरी इसका इतिहास पूरा इसका हिस्ट्री रहता है उस थाने में कि कहाँ कहाँ इसने अपराध किया है जिससे कि पुलिस को अपराध घटित होने में सबसे पहले वही अपराधी पकड़े जाते हैं जो उस एरिया के वांछित होते हैं जो उस एरिया के तो इसलिए यह सोचना कि कहाँ से इसको लिस्ट आएगी कहाँ से मालूम इसमें नहीं सोचना है सब साक्ष न्यायालय के समझ रहते हैं और यदि पेशेवर अपराधी है तो उसको बेल उसका बेल मिलने की संभावना नगण के बराबर होता है पहला दूसरा यदि अभियुक्त ने पूर्व में साक्ष नष्ट करने का प्रयास किया है या जमानत पर रहा है तो गवाह को धमकाने का प्रयास किया है साक्ष्य को नष्ट करने का प्रयास किया है सा गवाहों को प्रलोभन देने का प्रयास किया है प्रलोभन देकर के अपने पक्ष में बोलने का प्रयास किया है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है टेलीफोनिक कोई रिकॉर्ड है वॉइस रिकॉर्ड मैसेज है इस प्रकार के कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आ जाते हैं तो अभियुक्त को जमानत मिलने की संभावना समाप्त हो जाती है मैंने पूरी डिटेल में बताया कि बेल कैंसिलेशन बेल रिजेक्ट कब किया जा सकता है किन किन स्थितियों में दो बातें याद रखना है बेल कैंसिलेशन और बेल रिजेक्शन दोनों अलग अलग बातें हैं बेल का नामंजूर किया जाना और बेल का रद्द किया जाना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं कैसे बेल रिजेक्शन का मतलब बेल रिजेक्शन का मतलब है कि अभियुक्त को जमानत दी ही नहीं गई प्रथम दृष्टिया न्यायालय ने सोचा प्रथम दृष्टिया न्यायालय को ऐसा आभास हुआ ऐसा प्रतीत हुआ कि अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना समाज के लिए हितकर नहीं होगा इसलिए उसका बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया जमानत आवेदन मंजूर हो गया और बेल एप्लीकेशन का रद्द किया बेल का रद्द किया जाना जमानत का रद्द किया जाना इसका मतलब है कि अभियुक्त जमानत पर है अभियुक्त को जमानत ऑलरेडी मिली हुई है अब जमानत की किसी शर्त का उसने उल्लंघन किया है इसलिए शर्त के उल्लंघन के आधार पर उसके जमानत को रद्द किया जाता है तो ये बेल का रद्द किया जाना और बेल आवेदन का नामंजूर किया जाना बड़ा कन बहुत कन्फ्यूजन होता है प्राय कभी छात्रों में तो मैं देखता हूँ मैंने अनुभव किया है कि बेल बेल रिजेक्शन और बेल कैंसिलेशन को समझ नहीं पाते हैं कि बेल कैंसिलेशन क्या है और बेल रिजेक्शन क्या है तो मैंने इसको बताया और दोनों अंतर आप समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है अब इस केस के पश्चात जो मैंने बताया एक संशोधन हुआ है स्लाइड में आप देखें कि जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति यदि न्यायालय में नहीं आता तो ये पहले नहीं था 2006 से आ गया सी आर में संशोधन हो के कि उसे एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना अथवा दोनों दिया जा सकता है मैंने लिखा है कि बेल पर छोड़ा हुआ व्यक्ति अगर न्यायालय में टर्नअप नहीं होता है न्यायालय में नहीं आता फरार हो जाता है तो वह एक और अपराध कर देता है और उस अपराध की स्थिति में उसको एक वर्ष की अतिरिक्त सज़ा हो सकती या जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है ये वर्ष दो दंड विधि संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा सीआरपीसी में आईपीसी की धारा 229 ट्वेंटी नाइन में जोड़ा गया है इसका एक केवल और केवल उद्देश्य जमानत पर छोड़े गए व्यक्ति को विवश करना कि वह का कानून का पालन करे और वह भागने का कोशिश भागने का प्रयास न करे वरना वह एक अन्य अपराध का भागी होगा और उसमें उसको और सजा न केवल बेल रद्द न केवल उसको जमानत अब रद्द होगी और अब पुनः अगर गिरफ्तार होकर आएगा तो जमानत पर छूटने की संभावना समाप्त हो गई और उसको अतिरिक्त जेल भुगतना होगा इसलिए इस कानून को थोड़ा और टफ बनाने के लिए ये संशोधन किया गया आप सभी इसको याद रखेंगे नेक्स्ट जो स्लाइड है आप इसको देखें आ, मैंने ये स्लाइड बनाने बना के एक प्रयास किया है लिखने का कि किन दशाओं में जमानत आज्ञापक है मतलब मैंडेटरी है वे कौन सी कंडीशन है जिसमें बेल देना मैंडेटरी है पहला लिखा है मैंने जमानती अपराध धारा चार सौ शैल शब्दावली यूज किया गया उसमें मैंने अभी इसके पहले ठीक डिटेल में बताया दूसरा लिखा जहाँ अन्वेषण समय सीमा के भीतर पूर्ण नहीं होता रिमांड सेक्शन वन सिक्सटी सेवन तीसरा मैंने लिखा जहाँ मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल साठ दिन के अंदर पूर्ण नहीं होता ये धारा चार सौ सैंतीस छः में लिखा हुआ है वहाँ पर मजिस्ट्रेट साठ दिन के भीतर अगर ट्रायल कंप्लीट नहीं करता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा एक कुछ ऐसी कंडीशन है अब उसी के नीचे ठीक मैंने स्लाइड में देखिए लिखा हुआ है आप देखें यदि सेक्शन 436 की बेल ग्रांट नहीं होती तो अभियुक्त 439 के अधीन हाई कोर्ट अथवा सत्र न्यायालय में जा सकता है तो इसका मतलब है कि हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय को सेक्शन 439 में विशेष शक्तियां दी गई हैं जमानत देने के लिए ठीक उसके नीचे मैंने लिखा है यदि न्यायालय निर्धारित करती है कि निरोध अवैध था जो डिटेंशन था वो इलीगल था तो एस को सदोष परिरोध धारा चार तीन सौ बयालीस आई पी सी के अंतर्गत दोषी ठहराया जा सकता है ये स्लाइड आप में इतनी कम्प्लीट है आप इसको देखें बड़ी इन्फॉर्मेटिव स्लाइड है कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें लिखा है कि कब अभियुक्त को जमानत पर छोड़ना बाध्यकर है वह तीन मैंने स्थितियाँ बताई सेक्शन फोर थर्टी सिक्स में लिखा हुआ है कि जमानती अपराध किए जाने के आरोप में यदि अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष लाया जाता है तो अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा शेल बी रिलीज ऑन बेल ये धारा चारो छत्तीस उप एक में लिखा हुआ है दूसरी ऐसी परिस्थितियां कौन का, का, सी है जब अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा वह धारा वन सिक्सटी सेवन है कि जब अन्वेषण नब्बे दिन के भीतर भी कंप्लीट ना हो तो ऐसी स्थिति में इक्यानवेवें दिन का जो स्थिति है वह अभियुक्त को मिल जाता है ऐसी स्थिति में अभ्युक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है कि पुलिस की आक्रमणता या राज्य की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की आक्रमणता अभियुक्त को अनिश्चित काल के लिए जेल में रहने का अधिकार प्रदान नहीं करती इसलिए यदि पुलिस अन्वेषण करने में समय सीमा के भीतर 90 दिन के भीतर अन्वेषण कंप्लीट करने में विफल रही है डेलीबरेटली नोइंगली या अन नोइंगली तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाना चाहिए इसको डिफॉल्ट बेल बोलते हैं <coughs> डिफॉल्ट बेल भी बोला जाता है तीसरा मैंने बताया कि जब ट्रायल साठ दिन के भीतर कंप्लीट न हो तो भी अभियुक्त को जमानत पर छोड़ दिया जाता है अब यदि डिटेंशन इलीगल है न्यायालय ने यह पाया कि जो गिरफ्तारी हुई थी अवैध है साक्ष्य के माध्यम से अभियुक्त न्यायालय में यह साबित कर ले जाने में सफल हो गया साबित कर ले गया कि गिरफ्तारी अवैध थी तो उस पीड़ित को जो कस्टडी में रहा है डिटेन रहा है उसको क्या रेमेडी क्या उपचार उपलब्ध है वह ऐसे एस एस ओ के विरुद्ध ऐसे जो अरेस्टिंग ऑफिसर है गिरफ्तार करने वाला प्राधिकारी है उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा तीन सौ बयालीस के अंतर्गत रांगफुल कन्फाइनमेंट का सदोष परिरोध का वाद ला सकता है या और साथ ही साथ उसको कारावासित भी करा सकता है उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन प्रारंभ कर सकता है और जितने अवधि तक ऐसा व्यक्ति जेल में निरुद्ध रहा है एक महीना दो महीना एक सप्ताह उतनी अवधियों के लिए वह ऐसे एस एच ओ से प्रतिकर कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है दो मैंने रिलीफ बताई इलीगल डिटेंशन इन टाइटिल्स डिटेन पर्सन टू तो गेट कंपनसेशन फ्रॉम द अरेस्टिंग ऑफिसर एज <coughs> <आज> वेल एज <आज, coughs> जो डिटेन किया गया व्यक्ति था जो निरुद्ध किया गया व्यक्ति था जैसे ही गिरफ्तारी अवैध ठहराई जाती है वह अरेस्टिंग ऑफिसर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 342 के अंतर्गत सदोष परिरोध का वाद दायर कर सकता है तो मैं समझता हूं कि किन दशाओं में जमानत पर छोड़ा जाना आज्ञापक है आप सभी लोग इस स्लाइड के माध्यम से समझ गए होंगे अब आते हैं आ, जमानत के विषय में कोर्ट की जो एवं सत्र न्यायालय की स्पेशल पावर दी गई है सेक्शन फोर थर्टी नाइन में इसको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे कि हाई कोर्ट को और सत्र न्यायालय को धारा चार सौ उनतालीस के अंतर्गत विशेष पावर दी गई है बेल के विषय में जमानत के विषय में क्या क्या है वो स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैंने लिखा है कि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो उसे जमानत दिया जा सकता है जमानत में संशोधन हो सकता है धनराशि बंधपत्र की कम कर सकता है या बढ़ा सकता है या जमानत रद्द कर सकता है बेल जमानत रद्द कर अभियुक्त को पुनः रक्षा में भेज सकता है तीन इंपॉर्टेंट जो पावर हाई कोर्ट के या इस सत्र न्यायालय के सेक्शन फोर थर्टी नाइन के अब इसको एक एक करके व्याख्या करेंगे कि सीआरपीसी की धारा फोर थर्टी नाइन वह कोर्ट को या सत्र न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पहला अभियुक्त के द्वारा जमानत यदि अभियुक्त को जमानत प्राप्त हुई है अधीनस्थ न्यायालय ने जमानत दे दिया है तो जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर अभियुक्त के जमानत को रद्द कर उसे जेल भेज दे पहला दूसरा उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय अभियुक्त के बेल बांड पर जो बंधपत्र की धनराशि है उसको कम कर सकता है या बढ़ा सकता है उदाहरण के तौर पर यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा किसी अभियुक्त पर इतनी धनराशि अध्रोपित कर दी गई है कि वह अभियुक्त समझता है कि यह धनराशि ज़्यादा है धनराश वह बंधपत्र की रकम अमाउंट ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में उस अभियुक्त को कहाँ उपचार उपलब्ध है कि अपने अमाउंट अपने बांड अमाउंट को रिड्यूस करा ले सेक्शन 439 के अंतर्गत वह सत्र न्यायालय में या कोर्ट में प्रायः सत्र न्यायालय में ही जाते हैं न्यायिक मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध तो ऐसा अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के निर्णय के विरुद्ध सत्र न्यायालय में धारा फोर थर्टी नाइन के अंतर्गत बंधपत्र की धनराशि को कम करने का आवेदन कर सकता है और सत्र न्यायालय अभियुक्त के आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बंधपत्र की धनराशि को कम कर सकती है यह सेक्शन 439 के अंतर्गत दिया हुआ है दूसरा है कि यदि धन, बंधपत्र की धनराशि पहले कम थी और अभियोजन न्यायालय के समक्ष सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करता है कि अभियुक्त के बंधपत्र को बंधपत्र की धनराशि को बढ़ा दिया जाए या प्रतिभू पहले एक थे अब प्रतिभुओं की संख्या बढ़ा दी जाए या जो एक दो प्रतिभू पहले गारंटी लिए हुए थे उनमें से यह डिफाल्टर हो गए इनके पास वह धनराशि नहीं है पता कराया गया तो पता चला कि इनके पास वह धनराशि पैसा नहीं है इनको डिफाल्टर करते हुए अभियुक्त से अलग से फ्रेश बांड भरवाया जाए या फ्रेश फ्रेश स्योरिटी भराई जाए इस बात की गारंटी ली जाए और नए सिक्योरिटी लिया जाए ये भी कर सकता है अभियोजन आवेदन करके ये भी मांग कर सकता है कि अभियुक्त को बांड भरने के लिए बंधपत्र में धनराशि को बढ़ा दिया जाए अथवा उसके गारंटर बढ़ा दिए जाए नंबर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा दिए जाए नंबर ऑफ सिक्योरिटी चेंज कर दिया जाए कि उसका जो प्रतिभू है जो पहले गारंटी लिया है स्वयं न्यायालय में आके कहता है कि अब वो अभियुक्त की तरफ से खड़ा नहीं होना चाहता उसके संबंध अभियुक्त से अच्छे नहीं हैं स्वयं उसको संभावना है कि अभियुक्त भाग सकता है और उसके द्वारा जमा की गई धनराशि या उसके द्वारा जमा किए गए बांड को वापस कर दिया जाए अब अभियुक्त का वह पक्ष नहीं ले सकता अभियुक्त के साथ वो खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसके उसे संदेह है कि अभियुक्त भाग जाएगा तो पुनः इस सिक्योरिटी प्रतिभू को न्यायालय परेशान करेगी या कानूनी कार्रवाई करेगी ऐसी स्थिति में यदि ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो सी की धारा फोर के अंतर्गत सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट ये तीन महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया बेल बांड अमाउंट जो बेल बांड अमाउंट है बांड का जो धनराशि है उसको कम करने के लिए सदैव अभियुक्त न्यायालय में आता है और धनराशि बढ़ाने के लिए सामान्यतः अभियोजन न्यायालय अभियोजन न्यायालय के समक्ष सत्य न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष आता है बेल कैंसिल भी हो सकता है मैंने जैसा कि बताया बांड स्योरिटी जो बेल बांड है बेल बाड में संशोधन हो सकता है और अधिक बेल बाड मांगे जा सकते हैं यह सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट सेक्शन 439 के अंतर्गत कर सकता है तो ये भी आपने देखा और नेक्स्ट जो केस मैंने स्लाइड बनाया है इस स्लाइड में महत्वपूर्ण महत्वपूर्णवाद जो बेल से संबंधित इंपॉर्टेंट केस ला है उसको मैंने बताने का प्रयास किया है पाला केस इसमें लिखा है मोतीराम राम वर्ष स्टेट ऑफ एम पी ए सुप्रीम कोर्ट मैंने उसको नीचे लिखा है आप उसको स्लाइड में स्लाइड में देखें बेल नॉट जेल बेल इज अ रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन इसका हिंदी जो अर्थ यह है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है जमानत एक नियम का मतलब कि अभियुक्त को अभियुक्त जो अपराध किया है उसको निर्मुक्त किया जाए रिलीज किया जाए बेल पर छोड़ दिया जाए इसीलिए बेल एक नियम है और जेल का मतलब जेल जो अंग्रेजी वर्ड है जेल का शाब्दिक अर्थ होता है टू डिटेन डिटेंशन तो जेल का शाब्दिक अर्थ होता है निरोध हिंदी में और बेल का शाब्दिक अर्थ है रिहा करना जमानत तो जमानत एक नियम होना चाहिए निरोध एक अपवाद है, है. अपवादिक परिस्थितियों में अभियुक्त को रिटेन करना चाहिए वे अपवादिक परिस्थितियाँ कौन सी हैं जैसा कि मैंने बताया सात वर्ष से अधिक के कारावास से दंडीय अपराध में अभियुक्त को डिटेन किया जाना चाहिए बेल नॉट जेल ये भी ऐसा करके क्यों ऐसा किया गया मैंने इसके अभी ठीक पहले अपने उद्देश्य बताया था कि बेल नॉट जेल पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए और आप देखें 1978 सेवेंटी एट के मोतीराम स्टेट ऑफ एम पी की केस में जो जस्टिस वी आर किसनर के द्वारा विचार व्यक्त किए गए वर्ष 2003 में मलीमथ समिति के द्वारा जो आपराधिक विधि पे सुधार के लिए जो समिति बनाई गई मलीमथ कमेटी मलिमथ समिति के द्वारा वर्ष 2003 में जो सिफारिश की गई आपराधिक विधि में संशोधन के लिए उस सिफारिश वह सिफारिश बड़ी रिकमेंडेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे जो मलिमथ कमेटी के रिकमेंडेशन है 2003 की उसको जरूर पढ़ें वह प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसमें से जो इम्पॉर्टेंट बेल से संबंधित है मैं उसका उल्लेख करना चाहूँगा यहाँ पर वह एक स्लाइड में जो थोड़ा सा पहले है उसको अभी आप देखें उस स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा एक इसमें मैंने जो स्लाइड बनाया है जमानत संबंधी सामान्य नियम सबसे नीचे एक देखें कि मोती रामवैसे स्टेट ऑफ एम का केस लिखा है उसके नीचे ठीक मैंने लिखा हुआ है अधिकतम अवधि जहां अभियुक्त को निरोध में रखा जा सकता है उसके नीचे लिखा है धारा चार सौ छत्तीस और जोड़ा कब गया दो हज़ार छः में यह दंड विधि संशोधन दंड विधि संशोधन 2005 के द्वारा सीआरपीसी में ऐड किया गया धारा सेक्शन 436 थर्टी सिक्स क और यह प्रभावी हुई वर्ष 2006 से किसके समिति मलिमथ कमेटी रिकमेंडेशन में मैंने उस पर उस पर लिखा हुआ है आप मलिमत कमेटी रिकमेंडेशन को इसे देखेंगे तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था धारा चार क जो वर्ष 2005 में सीआरपीसी में जोड़ी गई वह उसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि में ये मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ पेम का केस है मलिमत कमेटी की रिकमेंडेशन है अब यहाँ पर इट इज़ वेरी पर्टिनेंट टू मेंशन दैट कि जो सेक्शन 436 थर्टी क है उसकी हेडिंग ही यही है कि अधिकतम अवधि जहाँ पर अभियुक्त को निरुद्ध रखा जा सकता है ये सेक्शन 436 थर्टी क में प्रावधानित किया गया है वो मैक्सिमम पीरियड क्या है धारा चार सौ छत्तीस यह प्रावधानित करती है कि जहां पर अभियुक्त अपने द्वारा किए गए अपराध के लिए प्रावधानित अधिकतम कारावास के आधे से अधिक यदि उसने जेल में भुगत लिया है तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा एक बात जो सेक्शन 436 में लिखा हुआ है अब सेक्शन 436 में एक लैकुना है जो मैं प्राय छात्रों को बताता हूं अपने क्लासरूम में बताता हूं और इसको आप ध्यान से देखें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 436 थर्टी उसमें लिखा है सेक्शन 436 थर्टी में कि जहां पर अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है और वह आजीवन कारावास अथवा अन्य कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का अभियुक्त है और आधे से अधिक सजा भुगत लिया है तो ऐसी स्थिति में उसे जमानत पर छोड़ दिया जाएगा अब यहाँ पर लैकुना जो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो इसमें खामी है चार सौ छत्तीस का में वह यह है कि अगर अभियुक्त ने कोई ऐसा अपराध किया है जैसे दहेज हत्या का मामला है उसमें अधिकतम कारावास जो है वह आजीवन कारावास है तो यदि ऐसा अभियुक्त जिसने आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया है और उसमें कब माना जाएगा वो कौन सी गणित होगी कौन सा मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है जब ये माना जाए कि आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने के आरोपी अभियुक्त ने आधे से अधिक सजा भुगत लिया है अब उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं है आजीवन कारावास का मतलब केवल और केवल अभियुक्त के शेष जीवन काल से है तो कैसे माना जाएगा कि आजीवन कारावास में 40 साल के बाद वह 40 साल वह है 20 वर्ष है टाइम पीरियड नहीं आजीवन कारावास का मतलब अगर टाइम पीरियड होता तो आजीवन कारावास वहां लिखा ही नहीं गया होता तो आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का आरोपी अभियुक्त आधे से अधिक सजा कब भुगत लिया यह कब माना जाएगा तो एक उसका लैकुना है जिसको छात्रों को यह समझना है दूसरा है कि धारा चार को यह प्रावधानित करती जो बहुत इंपॉर्टेंट है मानवीय आधार पर यह जोड़ा गया कि किसी भी अभियुक्त को उतने जितने अपराध का वह आरोपी है और जितना उसमें अधिकतम कारावास का प्रावधान किया गया है उससे अधिक अवधि के एक निरोध नहीं रखा जाएगा उदाहरण के तौर पर अगर कोई अभियुक्त चोरी का अपराध किया है और उस अपराध में वह गिरफ्तार किया गया जेल में है अन्वेषण जांच या विचारण लंबित रहने के दौरान चोरी का अपराध किया है अभी ट्रायल संज्ञान ले लिया गया आरोप तय हो गया लेकिन ट्रायल नहीं हुआ है और तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है तो धारा चार सौ छत्तीस से चार सौ छत्तीस का यह प्रावधान करता है कि अब अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध चूंकि चोरी से संबंधित है दिया उदाहरण अगर माना उदाहरण के तौर पर तो अधिकतम सजा चुकी चोरी में तीन वर्ष की दी गई है तीन सौ उन्यासी के अंतर्गत तो ऐसी स्थिति में तीन वर्ष ऑलरेडी वह जेल में भुगत लिया है अब उसे छोड़ दिया जाएगा जेल से बाहर से बेल जमानत पर छोड़ दिया जाएगा अब सपोज अगर उसकी दो सिद्धि भी अगर हुई एक माह दो माह बाद तो जो तीन वर्ष तक का है ऑलरेडी उसने जेल में भुगत लिया है उसके बाद की जो अवधि है एक माह दो माह वह व्यक्ति सरकार से कंपनसेशन लेने का भी हकदार हो जाएगा कि जो अधिकतम कारावास अगर उसने ऑलरेडी जेल में भुगत लिया है और दो महीना तीन महीना छः महीना और भी व्यतीत हो गया है तो यह स्टेट नेलीजेंस माना जाएगा और वह अत्यधिक जो जो रिमेनिंग अधिक पीरियड उसने जेल में भुगता है उसके लिए उसको कंपनसेशन प्राप्त कर सकता है तो चार का मैं बता रहा था कि कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों जोड़ी गई किस समिति के सिफारिश के आधार पर जोड़ी गई यह मानवीय अप्रोच है पहले ऐसा देखा गया कि प्राय इसका दुरुपयोग हो रहा था अब इसमें मैं केस जो बताया मोती राम वर्ष स्टेट ऑफ एम हुसैन आरा खातून वर्ष स्टेट ऑफ बिहार ए आई आर जिसमें राइट टू स्पीडी ट्रायल को माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के आर्टिकल 21 स्लाइड के माध्यम से आप देखें मैं ये तीन इसमें केस लिखा हूँ कि हुसैन आरा खातून वर्ष स्टेट ऑफ बिहार खत्री वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार ए आई सुप्रीम कोर्ट फ्री लीगल एड तो ये मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि जो हुसैन राखातून खातून का केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्वप्रथम यह निर्णय किया गया कि राइट टू स्पीडी ट्रायल यह शीघ्रतर विचारण का जो अधिकार है यह संविधान की आर्टिकल इक्कीस का अभिन्न भाग है और यह वहां से निकला है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड यदि अभिद को विलंब से न्याय मिलता है तो न्याय न मिलने के बराबर है संक्षेप में साक्ष को इसको मैं थोड़ा सा तथ्य बताऊं कि हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य के केस में हुसैन आरा के साथ हुसैन आरा एक अभियुक्त जो अन्य महिला अभियुक्तों के साथ जेल में बंद बंद थी निरुद्ध थी और यह लंबे समय से ट्रायल बिचारण का वेट कर रही थी इंतजार कर रही थी तो उस बिहार राज्य में एक सर्वे कराया गया जेल टू जेल सर्वे कराया गया पाया गया कि बिहार में कुछ ऐसे कैदी हैं जो निर्धन हैं गरीब हैं जो अपने ट्रायल का वेट कर रहे हैं कि अत्यधिक समय से उनका विचारण लंबित है निर्धनता के कारण अधिकार को जाने में समर्थ हैं और यदि वे दंडित यदि वे दोषित किए गए होते उससे ज़्यादा समय से वे विचाराधीन कैदी के रूप में समय अभाव के कारण मैं बहुत ज़्यादा इसको और डिटेल में नहीं बता रहा हूँ लेकिन इतना केवल समझना है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि शीघ्रतर विषाण का अधिकार आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ अधिकार है यदि स्पीडी ट्रायल नहीं होता व्यक्ति का अगर अभियुक्त का शीघ्रतर बिछाण नहीं किया जाता तो यह उस अभियुक्त के संविधान में प्रत्याभूत जीने का अधिकार अथवा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा इसलिए राइट टू इस स्पीडी ट्रायल दैट इज़ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल ट्वेंटी वन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल इक्कीस के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है ये ध्यान रखना है तो मैं समझता हूँ कि इस स्लाइड के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया कि बेल से संबंधित कौन से महत्वपूर्ण नियम हैं और इन स्लाइड के माध्यम से आप जमानत से संबंधित समस्त कानून को बताने का प्रयास सभी कि मोती राम बस स्टेट एम का केस कैसे आया सेक्शन 436 क्या है 437 क्या है 436 का जो जोड़ी गई मलिमत समिति के सिफारिश के आधार पर वह मानवीय आधार पर कि क्या चार का में दो जो प्रावधान किए गए वो, कि, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं और जो आ, दो क आईपीसी का आई में जोड़ा गया कि अगर जमानत पर छोड़ा गया व्यक्ति न्यायालय में उपस्थित नहीं हो जाता फरार हो जाता है तो वह एक अन्य अपराध करता है आई की धारा दो क के, के अंतर्गत और उसमें एक वर्ष की सज़ा हो सकती है जुर्माना लगाया जा सकता है दोनों हो सकता है बेल से संबंधित कानून को और मजबूत बनाने के लिए ये संशोधन किए गए आईपीसी के अंतर्गत भी और यह कितने अभियुक्त के अभियुक्त के मामले में किसी अपराध में जो बेल ली जा रही है अब जमानत देते समय न्यायालय अभियुक्त से कह सकता है कि जो उसके पक्ष में स्योरिटी प्रतिभू जमानत लेने के लिए आए हुए हैं इस बात को उद्घोषित करें डिक्लेयर करें कि इसके पहले उन लोगों ने कितने मामलों में जमानत लिया है जिससे कि जमानत से संबंधित नियम को और पारदर्शी बनाया जा सके और मजबूत बनाया जा सके उच्चतम न्यायालय का यह प्रयास सराहनीय है और संसद ने उसको संशोधन के माध्यम से समिधि का विदि का भाग बना दिया है मुझे ऐसा विश्वास है कि इस व्याख्यान के माध्यम से बेल से संबंधित समस्त प्रावधान को आप अवश्य समझे होंगे और यदि इतना समझे हैं तो निश्चित रूप से इस चार्ट के माध्यम से आप अपनी प्रारंभिक परीक्षाओं में और लिखित परीक्षाओं में निश्चित रूप से सफल होंगे इस आशा और उम्मीद के साथ मैं अपने इस व्याख्यान को समाप्त करता हूँ धन्यवाद